हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं डायमेंशन चैप्टर का थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, आप मेरा जो लास्ट डायमेंशन के जो दो वीडियो हैं मेरी प्लेलिस्ट में हैं, क्लास 11th के प्लेलिस्ट में डायमेंशंस के दो एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन कहता है कि हाउ यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आप इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक कर सकते हैं, आपका वो है एप्लीकेशन। दूसरा, आप डिड्यूस कर सकते हैं डायमेंशनली द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला डायमेंशनली डिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ये आपके दो एप्लीकेशन हैं। तीसरा एप्लीकेशन जो आपका बताता है, दैट टेल्स यू कि हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, वो आपका थर्ड एप्लीकेशन है। आप जानते हैं, आप SI यूनिट लिखते हैं, लाइक मीटर या KG या सेकेंड्स, ये आपका SI है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं CGS में। CGS का मतलब C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड्स। सो SI से CGS में कन्वर्ट करना हो या CGS से SI में कन्वर्ट करना हो, आप इन दोनों केसेस में आप डायमेंशन का यूज करके कन्वर्जन कर सकते हैं। सो दिस इज अवर थर्ड एप्लीकेशन। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि U1 एंड U2 आपकी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मान लीजिए मैंने कहा U1 एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं, M1A, L1B एंड T1C। आपको याद होगा डायमेंशन फॉर्मूला MLT, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में होता है, रेजिंग सम पावर्स लाइक A, B, C। और अगर वही फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे सिस्टम में होगी, ये SI सिस्टम में है, तो CGS में अज्यूम कर लीजिए कि वो क्या हो गई, L2B and T2C। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप ऐसा कहते हैं तो, और आपने कहा कि अगर आपने कन्वर्जन करना है तो आई विल राइट इन द फॉर्म कि N1 इन वन ब्रैकेट यू कैन राइट M1A L1B T1C इज इक्वल टू N2 टाइम्स M2A L2B एंड T2C। सो माय फॉर्मूला विल बी कि व्हाट इज द वैल्यू मतलब N2, व्हाट इज द वैल्यू, दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर फिजिकल क्वांटिटी N2, दैट विल बी इन द फर्स्ट मीडियम N1, एंड मास आई कैन डिवाइड M1 by M2। डिवीजन मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, पावर A, L1 by L2 का पावर B एंड T1 by T2 का पावर C। ये आपका फॉर्मूला यूज होता है कि आप चाहे वर्क हो या फोर्स हो या पावर हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये पहला है, ये दूसरा है। तो अगर पहला N1 है तो आप कहेंगे कि ये M1 L1 T1 ये पहले सिस्टम में है, M2 L2 T2 ये सेकेंड सिस्टम में है। तो आप ऊपर SI ले सकते हैं, नीचे CGS, या ऊपर CGS ले सकते हैं, नीचे SI। और ये नंबर्स होते हैं जो आप कन्वर्शन कर सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क को कन्वर्ट करिए, एनर्जी को कन्वर्ट करिए, या आप इसे पावर में भी कह सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट इट। सो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। आई होप ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, या आप इसे नोट कर लीजिए कि N2 इज इक्वल टू N1 टाइम्स M1 by L1, यानी मास का रेशियो का पावर A, L1 by L2 लेंथ का रेशियो टू पावर B एंड T1 by T2 का पावर C। फिजिक्स में आप हमेशा कभी जिस चीजों को फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद वेरी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिर आप उसको हायर ऑर्डर में ले जाइए। तो मैं अभी बहुत सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन का एग्जांपल ले रही हूँ कि 1 जूल ऑफ वर्क कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी है, उसे कन्वर्ट करिए अर्ग में। तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI, पहले तो यही पता होना चाहिए कि SI में जूल होता है, और अर्ग जो होता है वो CGS फॉर्म में होता है, करेक्ट। अब क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी है, यानी कैपेसिटी टू डू वर्क। तो सबसे पहले मुझे एनर्जी का डायमेंशन लिखना है, एंड दैट डायमेंशन ऑफ एनर्जी हमें याद होना चाहिए, ML² T - 2 में
ए की वैल्यू जो होगा वो मास का पावर होगा, दैट इज वन, एल की वैल्यू होगी टू एंड टी की वैल्यू होगी, सॉरी यहां बी की वैल्यू होगी टू एंड टी का पावर मतलब सी की वैल्यू होगी माइनस टू। डायमेंशन ही हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग टॉपिक होगा, तो जिसे भी हमें कन्वर्ट करना है, जैसे हम कहें डाइन से न्यूटन कहें या न्यूटन से डाइन कहें, अर्ग से सी, तो न्यूटन से डाइन मतलब फोर्स, तो हम फोर्स के डायमेंशन स्टार्ट करेंगे जैसे हमने एनर्जी से किया। तो ए वन है, बी टू है, सी माइनस टू है, करेक्ट, एबीसी की वैल्यू मिल गई। अब जब मैं एसआई में बात करती हूं तो एसआई में हम लेते हैं मास इन किलोग्राम, मास जो होता है वो केजी में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वन जो केजी होता है वो हाउ मेनी ग्राम्स, थाउजेंड ग्राम्स होता है। टाइम जो होता है वो लेंथ की जो हम बात करते हैं मीटर की, मीटर जो होगा वो वन मीटर, दैट इज नथिंग बट हंड्रेड सेंटीमीटर होता है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम दोनों में ही हम सेकेंड्स ले रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन ने कहा है कि वन जूल, वन जूल का मतलब जो एन वन है वो मेरा कितना है, वन जूल है। तो आपने क्वेश्चन में कहा कि जो एसआई सिस्टम है उसमें मास, लेंथ एंड टाइम अलोंग विथ एन वन हमें पता चल गया है। एन टू जो हमारा है वो हमें फाइंड आउट, एन टू भी हमारा वन जूल है तो वन अर्ग में ही होगा, लेकिन हमें बाकी कन्वर्जन देखने हैं कैसे होंगे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट आई कैन राइट, फॉर्मूला लिख लीजिए आप सबसे पहले कि एन टू इज इक्वल टू एन वन ब्रैकेट में एम वन बाय एम टू का पावर ए, एल वन बाय एल टू का पावर बी एंड टी वन बाय टी टू का पावर सी। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि अगर हमारा ये एन वन है तो एम वन, एल वन, टी वन, ये तीनों को हमें किसमें लिखना पड़ेगा, अब जो हमारा एसआई जो एम वन एम टू एल टू है उसे हम सबको कन्वर्ट करके सीजीएस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा वन केजी है जो हमें थाउजेंड ग्राम लिखना है, है ना। लेंथ जो हमारा वन मीटर है उसे हमें हंड्रेड सेंटीमीटर लिखना है, और टाइम हमारा वन का वन सेकेंड है क्योंकि हमें कन्वर्जन वही करना है ना, और एन वन जो है हमारे पास वन जूल है, तो ये कन्वर्ट करके हम लिखेंगे। तो एन वन तो हमारा वन जूल ही हो गया, एम वन की जगह हम क्या लिखेंगे, थाउजेंड ग्राम बाय एम टू हमारा ऑलरेडी वन ग्राम में ही है, उसमें तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। पावर में ए की जगह लिखेंगे, यानी हमारे ए की वैल्यू वन थी, हमने ए की वैल्यू निकाल रखी है ना वन। इसके बाद लेंथ की बात करूंगी तो 100 सेंटीमीटर है, L1 में कन्वर्ट करना है हमें, L2 जो है वो 1 रहेगा और B था हमारा 2, T1 जो है 1 है, T2 भी जो 1 है और पावर C है माइनस 2। अब 1 का पावर माइनस 2 इज ऑनली नो प्रॉब्लम इन दैट, अब हम सिर्फ पावर ऑफ 10 सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ये हो गया हमारा 1000 और यहां हो गया 100 का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं 10 का पावर 4, तो ये 3 और ये 4, यानी चार तीन सात, यानी 10^7 हुआ, यानी ये सबको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सीजीएस में, यानी यहां हो जाएगा अर्ग और यहां रहेगा आपका वन जूल, तो वन जूल इज नथिंग बट 10^7 अर्ग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द कन्वर्जन, जब एसआई से सीजीएस में जाना है तो एम वन, एल वन, टी वन जो आपके एसआई में है उसे आप कन्वर्ट करके सीजीएस में लिखेंगे, एंड द वैल्यू जो है आपको ए बी सी की वो डायमेंशन में मिलेगी जिस क्वांटिटी का आपका कन्वर्जन पूछा गया है। अब आपने एक टर्म पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप जानते हैं जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10^ माइनस 11 है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई। और अगर मुझे कहा जाए कि इसका सीजीएस आपको दिया है उसे एसआई में कन्वर्ट करिए, यानी न्यूटन की जगह होगा डाइन, मीटर की जगह होगा सेंटीमीटर और केजी की जगह होगा ग्राम। तो अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस इज गिवन टू यू एंड दैट इज 6.67 10^-8, आई सेड न्यूटन की जगह डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, दिस वॉज गिवन टू यू इन सीजीएस, यू हैव टू कन्वर्ट इट इंटू एसआई, एसआई में आपको इसका कन्वर्जन शो करना है। तो जो मेरा स्टार्टिंग स्टेप होगा दैट इज फ्रॉम द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, उसका डायमेंशन होता है एम माइनस वन, एल एल क्यूब, टी माइनस टू, जहां से मुझे ए की वैल्यू मिली माइनस वन, बी की वैल्यू मिली थ्री एंड सी की वैल्यू मिली माइनस टू, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब क्योंकि हमारा सीजीएस स्टार्टिंग था
तो सीजीएसई जो हमारा होगा हम वहीं से चालू करेंगे। तो एम वन जो है एसआई में कन्वर्ट करना है ना, तो 1 ग्राम यानी ये 1 ग्राम है आपका, करेक्ट। अब आपको एल वन देखना है अगर, तो एल वन भी आपका जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो टी वन है वो आपका 1 सेकेंड है, और एन वन की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 6.67 × 10⁻¹¹ −8। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन योर सीजीएस। अब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो एन टू जो होता है दैट इज एन वन टाइम्स एम वन बाय एम टू होल का पावर ए, एल वन बाय एल टू का पावर बी एंड टी वन बाय टी टू का पावर सी। जिस यूनिट से जाना है, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में, उसे ही हम लेके चलते हैं M1, M। अब हमारे पास CGS में दी हुई थी सारी चीजें, है ना। अब हम उसे SI में ले जाना है, तो अब वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, क्योंकि हमारा M2, L2, T2 अब SI में चलेगा। तो N2 तो हमें फाइंड आउट करना है, N1 की वैल्यू हमें CGS में दी हुई है कितनी होती है, M1 हमारा 1 ग्राम है, बट नीचे कितना kg होगा, 1000 kg होगा, कन्वर्जन करना है उसे हमें, तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा 1000। ए की वैल्यू हमें -1 मिली थी, L1 जो था हमारा वो 1 होता है, और अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में करें तो वो 100 होगा, का पावर कितना होगा 3, क्योंकि B का पावर हमको 3 मिला था, और टाइम तो 1/1 ही होता है -2। सो ऑलवेज योर A एंड B इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये तो टाइम सेकेंड्स में ही चलता है, करेक्ट। तो अब आपका क्या हुआ, 6.67 × 10⁻¹¹ यहाँ अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 3 एंड दिस इज 3 का होल क्यूब है, सो हियर आई एम हैविंग 1/1000 का पावर -1 एंड यहाँ पे हम 100 का जो है वो क्यूब करेंगे, तो 6 जीरोज आ जाएंगे, तो आपके 6 जीरोज में 3 जीरोज के साथ कैंसल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 10⁻¹¹ बचेगा, करेक्ट। तो जब आपके 6 में से 3 ये डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे तो -8 + −3, तो 8, 9, 10, 11, सो कन्वर्जन होगा 6.67 × 10⁻¹₹। अब हमारा जो डाइन था वो न्यूटन होगा, मीटर स्क्वायर होगा, पर केजी स्क्वायर इज योर N2। आई विल आस्क यू स्टूडेंट टू जस्ट डू अपोजिट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट फ्रॉम SI टू CGS। तो SI से CGS में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ 10⁻¹₹ लिखना है, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 100 भी ऊपर जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट हियर -11 यहाँ था, और यहाँ पे आपके पास जब कैंसिल होंगे टर्म तो यू विल गेट -8। ओके, तो आपको सिर्फ इसी का अपोजिट प्रैक्टिस करना है, सो प्रैक्टिस इट, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। हम एक लास्ट एग्जांपल और देख रहे हैं डायमेंशन के थर्ड एप्लीकेशन का। इवन इफ यू फाइंड किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी है देन प्लीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप क्वेश्चन भी उसमें भेज सकते हैं, देन आई कैन गिव यू द सोल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट इज टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट फॉर दी फोर्स ऑफ 36 न्यूटन, सी वॉट इट वॉज गिवन। N1 जो है वो 36 न्यूटन दी हुई है। इस फोर्स के लिए द क्वेश्चन इज सेइंग लेंथ इज टेकन एज 1 मीटर, हमारे पास जो L1 है वो 1 मीटर दिया हुआ है, मास इज टेकन यानी M1 जो है वो 1 kg दिया हुआ है, एंड टाइम इज टेकन यानी T1 जो है आपके पास वो 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट का ही मतलब है कि इट इज नथिंग बट 60 सेकेंड्स, isn't it? This was given to you. You have to convert in CGS for this value of force. यानि N1 दिया हुआ है. I have to find out N2 in CGS system. यही आपकी variable के साथ CGS में क्या होगा? Correct? तो अब मैं direct formula से start करूँ. N2 जो होगा, अब पहले हमें force का dimension याद रखना है, क्योंकि force की बात हो रही है, तो MLT−2 होता है force का dimension, A की value 1 है, B की value 1 है, and C की value −2 है। अब क्योंकि यहाँ 60 second है, इसलिए T का power value करेगा, है ना? तो अब आपके पास M1/M2 होता है, सॉरी यहाँ N1 की जगह आप 36 लिख सकते हैं पहले तो, और ये होगा क्या, 1 kg/1 gram, यहाँ होगा 1 मीटर/1 सेंटीमीटर, और यहाँ होगा 1 मिनट/1 सेकेंड का पावर -2। कैन आई राइट इन दिस वे, है ना? तो अब आपको N2 जो मिल जाएगा वो 36, क्योंकि CGS में करना है, ऊपर होगा 1000/1 का पावर 1, 100 का पावर 1,
बाय 1 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 60 सेकेंड का पावर. माइनस टू का मतलब ये है कि 60 का स्क्वायर होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो वेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन टू टू बी 10 to the power. दिस 36 एंड 60 इज 10 to the power 3 डाइन, बिकॉज फोर्स जो है वो किसमें थी, न्यूटन में थी, इसलिए आपको सीजीएस यूनिट्स में डाइन मिलेगा. And this is how you can practice various questions. You can go through the refreshers, or you can, if you will get any question from your different books and you want to ask the doubt, you can ask. Thank you, students.